देख रहे हैं आप कितना मुश्किल काम है, ठीक है, उनको कंफर्टेबल कर, जितना कंफर्ट जोन में आप लेके आओगे ना उतना मज़े का शॉट आएगा। जैसे कि ये देख कितना प्यारा शॉट आया, ठीक है, ऐसे मैं आपको अभी आगे और दिखाता हूँ। यस वेट मानूर, आंखों से स्माइल करो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हारिस उस्मानी है और मैं वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ। और आज हम आए हुए हैं ऑर्चिड इवेंट सॉल्यूशन में, बहुत ज़बरदस्त सेटअप है और आज हम करेंगे यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी, जिसमें मेरी टीम है और उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। सबसे पहले मुझे आपसे बात जो करनी थी वो ये है कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपके कैमरा बैग में क्या है, क्या इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो। तो आज मैं आपको अपना कैमरा बैग ओपन करके दिखाऊंगा। दूसरा, कौन सी लाइट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वेडिंग फोटोग्राफी में, किस तरह से लाइट यूज़ करनी है, कौन से लेंसेज यूज़ करने हैं, तो वन बाय वन वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस बैग में क्या रखा हुआ है। एक नॉर्मल बैकपैक है, उस बैकपैक को हमने ओपन किया तो सामने आपको नज़र आ जाएगा एक ट्रिगर, जो कि बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, यहाँ पे मेरे पास है ज़बरदस्त बॉडी है, कैनन की 6D है और फुल फ्रेम कैमरा है, बहुत ज़बरदस्त लो लाइट में रिजल्ट है। इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ चुका है जो कि है 6D Mark II, ठीक है। इसके साथ मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ 24-105, जो कि एक वाइड एंगल से टैली की तरफ जाता है और जब आप स्ट्रोब लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। नंबर टू में लो लाइट में इन केस आपके पास लाइट नहीं है या जो आप लोकेशन पर है, जैसे यहाँ पे तो बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप इस तरह के लेंसेज यूज़ कर सकते हैं जिनका एफ स्टॉप कम होता है, यानी कि 2.8, जो कि लो लाइट में बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देता है। इसकी फील बहुत अच्छी है, काफ़ी हैवी होता है, यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिगनर्स को नहीं, जो ज़ाहिर है थोड़ा सा काम शुरू कर चुके हैं और कर रहे हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं आजकल। और आगे चलते हैं, एक और चीज़ जो मेरे बैग में हमेशा होती है वो है ये फ्लैश। फ्लैशेस हर किस्म की हैं, ब्रांडेड हैं, थर्ड पार्टी। मेरे पास यहाँ पे है योंगन्यू की फ्लैश, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इन केस अगर आपका ये ट्रिगर काम नहीं कर रहा तो आप स्लेव मोड के ज़रिए इसको आप सिंक करा सकते हैं अपनी स्ट्रोब लाइट से और आप अपना काम कर सकते हैं। और अभी इन्होंने लाइट्स भी ऑन कर दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त मुझे तो लाइटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक अगर ये व्यू दिखा दो यहाँ सामने का, और उसके बाद ये दिखा दो स्टेज का, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये वीलॉग मैंने इसलिए शुरू किया, पहला वीलॉग है ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ और एक बहुत अच्छे इदारे में काम करता हूँ, अपना स्टूडियो का काम करता हूँ, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं किस तरह काम करना है, क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। तो बेसिक इक्विपमेंट तो यही है, बाकी किस तरह से काम होता है वो इस वीलॉग में ही डालूंगा और एंड रिज़ल्ट भी डालूंगा। तो आपने करना यह है कि एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है ताकि आपको पता चले। और इसी वक्त मेरे पास मेरे वीडियो का बंदा भी आ चुका है, जो कि है शहबाज, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। थोड़ी सी मिसहैप हो रही है, कोई टेंशन नहीं, वीलॉग है तो चलता है। तो शहबाज, क्या आपके पास माइक नहीं है तो आपको मेरे करीब आना पड़ेगा, लेकिन प्लीज़ इतना करीब मत आइएगा कि मसला हो जाए, ठीक है। तो शहबाज इस वक्त यूज़ कर रहे हैं मिररलेस कैमरा, सोनी के भी हैं, आपका कैनन के भी हैं, लेंसेज है 17-85 है, ठीक है। ज़बरदस्त कैप स्टॉप कितना है? मिररलेस कैमरा है, ठीक है और वीडियो के हिसाब से मज़ेदार है, बहुत ठीक है। और आप गिम्बल भी यूज़ कर रहे हो, तो जो हमारे एंडिंग शॉट होने वाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, क्योंकि ये तो मोबाइल पे बने हैं, लेकिन मैं इससे बोलूँगा कि मुझे कुछ गिम्बल के शॉट भी दे जो मूवमेंट वाले, ताकि मज़ा आए। इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मैं वायर को संभाल लूँ, तो नवाज़ मेरे साथ आगे आ जाओ थोड़ा सा। अब ये वो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होनी चाहिए, हर वेडिंग फोटोग्राफर के पास होनी चाहिए, इवन हर फोटोग्राफर के पास होनी चाहिए। सस्ती लाइट है, अच्छी लाइट है, और ये इंडियन लाइट्स हैं, ठीक है। तो इनका नाम है नाइस, ये मैंने कोई 2012 में ये वाली लाइट्स खरीदी थी। तो इसके अंदर आपके पास होना क्या चाहिए, आजकल तो बहुत अच्छी लाइट्स आई हुई हैं, थोड़ा सा वायर इधर कर दो, ओके, अच्छी लाइट्स आई हुई हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें बैटरी पैक्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये बैटरी पैक्स यूज़ करने की वजह से सीन ये होता है। ओह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर भाई? ये भी हमारे साथ ही होते हैं, बाद में इनका इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। तो बाकी सीन अब ये कैरी ऑन करते हैं।
ये एक वायर होता है जिसको हम कहते हैं लीड वायर। सीन ये होता है कि हर एक के पास बैटरी पैक वाली लाइट नहीं होती, तो मेरे पास भी नहीं है। सो, करना ये है कि इसको हमने अटैच कर देना है शुरू में, और एक लाइट के साथ इसको कनेक्ट कर देना है, और दूसरा आपके पास होना चाहिए पावर सप्लाई बोर्ड, तो इससे आप दूसरी लाइट्स को कनेक्शन दे दें। नवा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा फ्रेम तुम्हारा टेढ़ा हो रहा है, अगर देख लो ठीक है तो ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली कुछ लीड्स होती हैं, देन आपके पास काफ़ी वेडिंग फोटोग्राफी में आज के बहुत आर्टिस्टिक काम हो रहा है। सस्ता काम मैं बता रहा हूँ, तो ये जेल पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसके पेपर्स और अलहदा से आते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो मेरे पास ये बैग है जिसके अंदर ये अम्ब्रेलाज हैं। ओके, दो तरह के अम्ब्रेलाज होते हैं। मेरे पास जो ये अम्ब्रेला है वो है कि रिफ्लेक्टर वाला अम्ब्रेला है, ठीक है। इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, लाइट सॉफ्ट बॉक्स में जिस तरह से आती है उस तरह से तो नहीं आएगी, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी, ठीक है। एक अम्ब्रेला और भी होता है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। वो बेसिकली डिफ्यूज़ करता है लाइट को, जो भी आप एक्स वाई जी लाइट यूज़ कर रहे हैं उस लाइट को वो डिफ्यूज़ करके आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइट जाएगी, ठीक है। और ये मैं हटा देता हूँ। इसके बाद जब भी आप स्टैंड यूज़ करें, मार्केट में बहुत सारे हर किस्म के स्टैंड हैं, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप थोड़े हैवी स्टैंड थोड़े से हैवी स्टैंड यूज़ करें, ताकि आपकी जो लाइट्स हैं, क्योंकि शादी का जो माहौल होता है यहाँ बच्चे बहुत भाग रहे होते हैं, तो वो बच्चे आसरा नहीं करते, वो टकरा जाते हैं, और अगर आपने हल्के स्टैंड यूज़ किए हैं तो जाहिर है आपकी जो लाइट है वो गिरेगी, और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो लाइट गिर के टूटना एक बहुत मसला हो जाएगा। ओके, ये लाइट्स मेरे पास 2012 से हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बहुत एफिशिएंट लाइट हैं। ये हैं A200 फ्लैश नाइस की ये लाइट्स हैं, और इसमें पीछे आपको सेपरेट ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे डीमर दिया हुआ है, स्लेव का ऑप्शन दिया हुआ है, टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से पावर कॉर्ड को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना ट्रिगर कनेक्ट करेंगे। इनकेस आपके पास ट्रिगर नहीं है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसको स्लेव के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फ्लैश के साथ। अब ये करते हैं कि मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिट होने वाली नहीं है, एज इट इज़ जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ तो मैं दिखाना भूल गया, वो ये है कि नवाज़ आप पीछे घूमो। ओके, नॉर्मली लोग ऑक्टा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहा होता हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आता है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। काफ़ी मट्टी इस पर लगी हुई है, तो उससे घबराइएगा नहीं, रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा होता है। और आगे अब मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन भी दिखाता हूँ। ये सेटअप अब मैं आपके सामने ही करूँगा, कट हो जाएगा, जल्दी कर लेंगे। और ये इधर पे हम शुरू करेंगे अपना शूट वेडिंग का, जो कि पीछे अगर आप दिखाओ तो वो शहबाज़ ने वीडियो का काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन और पीछे लोग भी आना शुरू हो गए। तो इससे पहले कि लोग अंदर आ जाएं और हमारा काम ख़राब हो जाए, ख़राब तो नहीं होगा, वो काम हमारा शुरू हो जाएगा और हम वीलॉग नहीं बना पाएंगे, तो इसको यहीं पर रैप करते हैं वीलॉग नंबर 1 को। और अब आपको ये आगे बताएंगे किस तरह से ये शूट होता है, इसकी पिक्चर्स का एंड रिज़ल्ट क्या होगा, वीडियो का एंड रिज़ल्ट क्या होगा। तो स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू। स्माइल आहत, ज़बरदस्त। देख रहे हैं आप कितना मुश्किल काम है, ठीक है। उनको कंफर्टेबल करना है, ठीक है। आपने उनको डराना नहीं है कि ये करो डरो, वो नहीं करना, ठीक है। जितना कंफर्ट जोन में आप लेके आओगे ना, उतना मज़े का शॉट आएगा। जैसे कि आप ये शॉट देखो, ठीक है, ये देख कितना प्यारा शॉट आया, ठीक है। ऐसे मैं आपको अभी आगे और दिखाता हूँ। ओके, पीछे से थोड़ी मूवमेंट, अपना शहबाज भाई पीछे से मूवमेंट नहीं कर रहे। ओके रेडी, अच्छा आप थोड़ा सा बॉडी में, नहीं नहीं आप ठीक करो, आप मेरी तरफ बॉडी करोगे, आप मान लो ना मेरी साइड में, एक दूसरे को देखें दोनों। ओके रेडी, दिखाना
ओके, अब जो है ना मैं शॉट चेंज कराऊंगा, तो वो आपने देखना है किस तरह से करें। मैं सोफे पे बैठा के इनके कपल बना लिए, ठीक है। अब एक और शॉट है जो मेरे दोस्त का फेवरेट है, तारिक एके का, ठीक है। तारिक एके का अब जो शॉट बनेगा ना वो मैं कॉपी करने वाला हूँ, तो कॉपी राइट स्ट्राइक ना मारना तारिक मेरे पे। आप थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा अंदर लिया, ठीक है, होल्ड रखना है, ठीक है। ओके मेयर उसमें क्या, ओके पीछे आ जाओ सारे, ओके ओके रेडी। इसमें एडिशन मैं कुछ करने जा रहा हूँ, आप अपने हाथ में हाथ भी नीचे रखना है, जैसे जैसे होल्ड किया थोड़ा सा ऊपर, जैसे हाथ होल्ड करते हैं ये। ओके रेडी, ओके मानू आप थोड़ा सा ऐसे कैसी मानू, बस 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 रेडी, अच्छा कोशिश करूँ वहाँ रेडी, जस्ट वेट, क्या बात हाथ आ रहा है, जस्ट वेट। ओके यस, पहले मेरा शॉट उसके बाद वीडियो, यस वेट मानूर आंखों से स्माइल करो, बताओ तुम लोग चेक करो। ओके रेडी, ओके रेडी, या लवली लवली, होल्ड 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 होल्ड, ऐसी रहोगे वैसी रहो, साइड ऐसी। ओके मेरा शॉट हुआ नहीं है अभी, ऐसी रहोगे, ओके ऐसी रहोगे, आबिद आबिद आहद यार, कभी आदिल आहद इधर नाम आप ठीक हो। ओके ये जो शॉट बनाए थे ये बन गए पाउंड स्लैट के ऊपर। अब मैं ये सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करूँगा जो कि यूनिवर्सल सॉफ्ट बॉक्स है, किसी भी लाइट के ऊपर एडजस्ट हो सकता है, बिल्कुल करना ही होता है, इसको रखना है, ठीक है। और आपने इसके नट्स को वन बाय वन चारों तरफ से टाइट कर देना है, ऐसे रहेंगे। ओके जब तक मैं अपना नया शॉट सेट करवा रहा हूँ, यहाँ पे गिम्बल सेट हो रहा है, ठीक है। ये देखो आप, ये गिम्बल अभी यूज़ होगा और सेटिंग किस तरह से हो रही है, ये शहबाज देखें आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और अब सेट हो जाएगा, उसके बाद और मज़ा आएगा। Into my camera. इतना आसान काम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, बल्कि नहीं स्टैंडिंग शॉट रहते हैं। बॉडी लाइट की तरफ, और पूरी बॉडी लाइट की तरफ कर लो, स्पेस में आप दोनों हाथ ऐसे रखो, या परफेक्ट रेडी, हो गया नहीं आइए रेडी।